शाहरुख खान ने एक फिल्म में कहा था कि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज होती है, साली कभी भी पलट जाती है। सेम वैसा ही किस्मत आजकल आरसीबी का बन के रह गया है। जब आईपीएल 2024 की शुरुआत हुई तो लोगों को लगा कि इस बार आरसीबी की टीम कुछ अच्छा कर जाएगी, लेकिन नहीं, आरसीबी की किस्मत बुरी थी और बुरी ही रहेगी। शुरुआत में एक दो मैच अच्छा प्रदर्शन करी, फिर आरसीबी की टीम लड़खड़ा गई तो लोगों ने ट्रोल किया। तो आरसीबी की टीम अपनी लाज बचाने के लिए पिछले 5 मैचों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए लोगों के मन में फिर से एक आस जगा दिया। लेकिन देखिए, वहीं पर आरसीबी की किस्मत ने मार दी लात तो हो गया फिर से वही बात। जी हाँ, जब आईपीएल का आखिरी सबसे डेंजर मुकाबला आरसीबी और चेन्नई के बीच होना था चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जिस पर बारिश का सायं बढ़ाने लगा, जबकि यह निर्णायक मैच होने वाला था। अगर आरसीबी की टीम इस मैच को 18 ओवर में या 18 रन से जीत जाती है तो आरसीबी की टीम क्वालिफाई कर जाती, लेकिन नहीं भैया, आरसीबी की तो किस्मत ही खराब ही है। हमने आपको पहले ही बताया ना, आरसीबी की किस्मत ही खराब है, तो कैसे हो सकता है ऐसा। जब लगा कि इस बार आरसीबी कुछ अच्छा कर जाएगी तो किस्मत ने मारा लात और भगा दिया। ले भैया, तुम्हारे बस की बात नहीं, इससे अच्छा तो कम से कम आईपीएल में आरसीबी के वोमेंस टीम का किस्मत है, कम से कम 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए खिताब तो जीता। अब बताइए क्या कर रहा है यार, मतलब हम लोगों ने सोचा था कि भैया कम से कम इस बार चेन्नई और आरसीबी का मैच जो होने वाला ये मैच हो जाए, ठीक है जीते हारे वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि आरसीबी की किस्मत ख़राब है, जिसके वजह से इस पर बारिश का साया मंडराने लगा। 90% एक्यूरेसी है कि बारिश होगी ही होगी। अब इसमें आरसीबी की टीम कर भी क्या सकती है, चाहे जितना अच्छा प्रदर्शन कर ले, आरसीबी की टीम को तो बाहर होना ही है, क्योंकि आरसीबी की टीम खेल ही नहीं पाएगी। बताइए, हो गई ना बाहर, मिल गया ना आत्मा के शांति को सबको। हम कह रहे थे थोड़ा कम उछलो, समय से पहले ही डिंडोरा पीटने लगते हो सबके सब कि आरसीबी की टीम खिताब जीतेगी। लो, जीत लो खिताब, बिना खेले ही तो बाहर हो गई। अब क्या करोगे।